अहादी खबर है प्रदर्शनकारी किसाना दिल्ली पर जानकारी जी है वो कह सकते हैं कि पुख्ता है क्योंकि सोर्सेज के हवाले तो आ रही है पंकज देखो हरियाणा सीएम दे जिहड़े ने सोर्सेस ने उत्थों दे सीएम ऑफिस तो इंफॉर्मेशन ये मिली है कि एनएसए जिहड़ा वै वो हरियाणा पुलिस दे वल्लों नहीं लगाया जाएगा ये टॉप सोर्सेस न्यूज़ 18 ते जानकारी दे रहे ने क्योंकि कल एक किसान आगू दे घर दे बाहर नोटिस भी लगाया गया सी अंबाला दे विच और एक प्रेस रिलीज भी जारी जिहड़ा वै अंबाला पुलिस दे वल्लों किया गया सीगा कि एनएसए लगाउण दे मूड दे विच है हरियाणा पुलिस जेड़े किसानों ने जड़ा वह भनतोड़ की है या फिर माहौल खराब किया वै या फिर कई किसान आगू जड़े ने वो हरियाणा पुलिस के टारगेट के उत्ते सके और कल तो यह जानकारी मिल रही थी कि एनएसए उन्हां किसान लीडरों के उत्ते लग सकता वै जदों एक नोटिस भी किसान आगू के घर के बाहर लगा सी लेकिन हुण हरियाणा सीएम जेड़े सीएम ऑफिस है उसके सोर्सिस से जानकारी न्यूज 18 दे रहे हैं कि किसी भी किसान आगू के या किसी भी किसान के एनएसए जिहड़ा वै वो नहीं लगाया जाएगा ये टॉप सोर्सेस न्यूज 18 ते जानकारी दे रहे हैं कि जो फैसला अंबाला पुलिस वालों या अंबाला दी पुलिस वालों लिता गया से उसको वापस लैन का फैसला लिता गया किसी तरह का कोई भी एनएसए किसी भी किसान आगू के उत्ते नहीं लगाया जाएगा बिल्कुल ऐसी राहत की खबर कह सकते हैं पंकज क्योंकि जिस तरीके दे नाल पहला ही काफी ज्यादा तनाव वाला माहौल बनया हुआ है देखो बॉर्डर से अज तक किसान बैठे हुए ने उड़ीक रहे ने अज शाम नूं इह तय होएगा कि आखिरकार की होना है इसे दे विचाले जो इस तरीके की सख्ती होंगी तो फिर माहौल जिहड़ा है होर चिंताजनक बन सकता सी निश्चित तौर से क्योंकि हरियाणा सरकार के नाल-नाल पंजाब सरकार के नाल-नाल केंद्र सरकार सारे की नजर जी है इस अंदोलन के उत्ते टिकी हुई है और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि जिहड़ा वै माहौल खराब हो गए या फिर किसानों की नाराजगी का सामना जिहड़ा वै वो हरियाणा सरकार नूं या पंजाब सरकार नूं या केंद्र सरकार नूं लेना पवे इसे वजह करके कई बार हुंदा है कि अपने पद्धर ते जिहड़ा वै पुलिस वल्लों फैसला लिता जांदा लेकिन जदों सीएम ऑफिस तक इंफॉर्मेशन जांदी है या फिर सीएम ऑफिस नूं ये लगता है कि इस तरीके का फैसला गलत या घातक साबित हो सकता है तो उस वेले फैसले जिहड़े ने बदले भी जाते हैं और इसे वापस क्योंकि इस वेले केंद्र सरकार दे खेतीबाड़ी मंत्री जिहड़े ने मिस्टर मुंडा उन्होंने वालों एक स्टेटमेंट जी है वो सामने आई थी कि अभी गलबात के लिए तैयार हाँ अभी गलबात करना चाहते हैं उस तो बाद किसान जथेबंदियों के वालों यह किया गया कि लिखती तौर से MSP के कानून के हल के उत्ते चर्चा की जाए इस तरीके का न्योता जोड़ा वै वो भेजा जाएगा केंद्र सरकार के वालों का गलबात किसान भी करेंगे इस विचाले जो खनौरी बॉर्डर के उत्ते तनाव बढ़ गया जिसे हरियाणा पुलिस के उत्ते इल्जाम लगे कि उन्होंने किसानों के नाल कुटमार की गड्डियां तोड़ियां गई उस किसान की मौत हो गई और उस तो बाद किसानों को लेके पंजाब की तमाम सियासी पार्टियां की नाराजगी जी हरियाणा सरकार हरियाणा पुलिस के उत्ते सी और उस तो बाद एक खबर सामने आती है एक ट्वीट सामने आता अंबाला पुलिस का कि NSA जिहड़ा वै वो किसानों के उत्ते लगाने की तैयारी की जा रही है तो हुण हरियाणा सीएम ऑफिस के सोर्सिस न्यूज 18 में मुक्ता जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी तरीके के नाल NSA जिहड़ा वै वो किसानों के उत्ते नहीं लगाया जाएगा ठीक है बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पंकज तमाम जानकारी ली तो अंकित दुदानी साढ़े नाल फोन लाइन से जुड़ चुके हैं अंकित क्या कुछ आपके पास जानकारी क्योंकि पुख्ता जानकारी है कि अभी NSA अब नहीं लगाया जाएगा प्रदर्शनकारी किसानों पर साफ तौर पर पुलिस ऑफिशियल जो है उनकी तरफ से बयान जारी कर दिया गया है शिवास कविराज जो कि कमिश्नर हैं उन्होंने ये ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है कि किसी भी तरह का राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है NSA है वो नहीं लगाया जाएगा पहले सरकार ने ये फैसला लिया था और अंबाला की तरफ से प्रेस नोट भी जारी हुआ था पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ था लेकिन हमारे सीनियर ऑफिशियल से बात हुई है उन्होंने कहा कि हमने इसको रिकंसीडर किया है और रिकंसीडर करने के बाद ये फैसला लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किसानों पर किसी भी तरह से नहीं लगाया जाएगा हम उसको विथड्रॉ कर रहे हैं तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं दबाव कहा जा सकता है कि जिस तरह से दबाव बना है सरकार के ऊपर और लगातार जो पंजाब की विपक्षी पार्टियां हैं या किसान नेता हैं वो ये तक मांग कर रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या गृह मंत्री हों उनके ऊपर FIR तक दर्ज की जाए और हरियाणा सरकार को जिम्मेवार ठहराए रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं किरकिरी से बचने के लिए अब हरियाणा सरकार की ओर से कह सकते हैं कि ये कदम उठाया गया है और ये अब कानून का जो है राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है इसका कहीं ना कहीं कोई भी धारा इसकी नहीं लगाई जाएगी कोई भी राशु का नहीं लगाया जाएगा
जाएगा, तो साफ कर दिया गया है। पहले सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी, लेकिन न्यूज 18 की जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात हो चुकी है और उन्होंने जो लिखित में जानकारी है वो भी न्यूज 18 को मुहैया करा दी है, और शिवास कविराज जो कि कमिश्नर है उन्होंने मुहैया करा दिया है, उनका बयान आ गया है और अब ये चीज क्लियर हो गई है कि किसी भी बिल्कुल बिल्कुल अंकल आप हमारे साथ बने रहे। हालांकि असि हेठले पासे दिखा रहे हैं कि NSA है की है, प्रदर्शनकारियां लग्या NSA की सी, हालांकि जिस हूं हटाने का या कह लिए कि जिसके तहत कार्रवाई नहीं होगी, तो देश के सब तो सख्त कानूनों के विचों एक है। किसी भी थां ते नजरबंदी के हुक्म किए जा सकते हैं NSA के तहत, किसी को भी हिरासत के बारे नहीं दसया जाता, NSA लगाने ते पुलिस को जानकारी नहीं देनी पैंदी, एक साल तक हिरासत के विच रखा जा सकता है। जिस ते NSA लगता है जो कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था के लिए खतरा बने हिरासत के विच लैण ते मैजिस्ट्रेट के अगे पेश करन दी शर्त नहीं हुंदी, तां NSA लगन ते जमानत नहीं हो सकती और खास स्थिति तक 15 दिन तक हिरासत के विच लैण दा कारण नहीं दस्या जांदा, और कोर्ट दे विच हैब्स कॉर्पस दे तहत पटिशन दाखल की जा सकती है। तो सारा कुछ है NSA असी हेठले पासे तुहानू दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल देश का सब तो सख्त कानून है। अंकित, अगर बात की जाए तो हालात हम देख रहे हैं 13 फरवरी से क्या कुछ बने हुए हैं। सबसे पहले जो पुलिस की बैरिकेटिंग नजर आई, जिस तरह से सख्ती की गई, तो उसको देखकर लग रहा था कि अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हालात बनते हैं, जिसके बाद मीटिंग होती है, हालांकि बार बार ये केंद्र कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन होता है, और अब जब ये कल से चर्चा चल रही है कि NSA लगेगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये हाइप थी कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी किसानों पर कार्रवाई करने के लिए हरियाणा पुलिस तैयार थी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार जो हरियाणा पुलिस है वो यही कह रही है कि प्रदर्शनकारी पीछे हटे, प्रदर्शनकारी पुलिस जो कर्मचारी है उन पर हमला ना करे, बैरिकेटिंग ना तोड़े, तो लगातार कदम उठाए जा रहे थे। वो बैरिकेटिंग लगाने को लेकर हो, आंसू गैस के गोले छोड़ने को लेकर के हो, रबड़ बुलेट छोड़ने को लेकर के हो, लगातार ये फैसले लिए गए हैं और ये सारे काम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी 2 दिन पहले की अगर बात करें तो किसानों ने मिर्ची का पाउडर डाल करके और फिर आग लगा दी थी भूसे के अंदर, जिससे कि 12 किसान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का जो नुकसान है, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान है वो भी हुआ था। 12 पुलिस मुलाजम, अंकित, 12 पुलिस मुलाजम ये दावा किया था, हालांकि हरियाणा पुलिस ने ये दावा किया था। 12 पुलिस मुलाजिम गंभीर रूप से घायल हुए थे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद सरकार ने ये जो सबसे बड़ा कानून कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आतंक जो फैलाते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, आतंकवादियों पर लगाया जाता है, वो यहाँ लगाने का विचार हुआ था और वो बात कही गई थी। लेकिन अब पुलिस ने रिकंसीडर किया है इस मामले को, और रिकंसीडर करके एक बार फिर से ये फैसला लिया गया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो है, ऐसा कोई भी कानून किसानों पर नहीं थोपा जाएगा और ना ही किसी भी इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि पुलिस अभी भी सख्ती बरते हुए, अभी भी कोई ढिलाई पुलिस ने नहीं दी है और बैरिकेटिंग वैसे के वैसे है। जो अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो आंसू गैस के गोले की बात करें, रबड़ बुलेट की बात करें, जो भी हथियार सरकार यूज कर रही है वो अभी वैसे यूज कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है वो अभी नहीं थोपा जाएगा किसी भी किसान के ऊपर। जी ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो ये अहम जानकारी है कि नहीं लगेगा NSA, और लगातार असी चर्चा कर रहे, लगातार साढ़े सहयोगी साढ़े तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और ये बेहद अहम खबर है कि किस तरीके दे नाल पहला NSA के तहत कार्रवाई की गल कही गई सी, क्योंकि सीधे तौर पर बेहद ज्यादा सख्ती करन दे मूड दे विच हरियाणा पुलिस अंबाला पुलिस लग रही सी। ये बार बार कहा जा रहा है हरियाणा दे विच एंटर नहीं होन दिता जाएगा, किसान आगू भी यह खदशा प्रकट कर रहे हैं, वड्डे इल्जाम लगा रहे हैं कि साफ तौर पर हरियाणा नूं यही इंस्ट्रक्शंस ने कि किसी भी कीमत पर किसान अंदर एंटर नहीं होने चाहिए, हरियाणा दे विच नहीं आने चाहिए, जेकर हरियाणा च एंट्री होंदी है तो फिर सीधे जाके प्रभावित होंगे हरियाणा और दिल्ली दोनों। और इसनों लैके लगातार दसीए कि गहमागहमी का माहौल, तनावपूर्ण माहौल जरूर बनिया होया है, जिथे शुभकरण की मौत होंदी है, शुभकरण की मौत को लैके लगातार जिहड़ियां चर्चावां, लगातार मीटिंग्स किसान आगू कर रहे हैं, और मंगां नूं लैके अजे तक पोस्टमार्टम जिहड़ा है नहीं होया। तां इसे दे विचाले हुण प्रदर्शनकारी जिहड़े किसान ने, क्योंकि जिस तरीके दे नाल अंकित जिक्र कर रहे सी कि इह दावा हरियाणा पुलिस ने कीता है कि जदों पराली दे धुएं नूं अग लगाई गई है किसानां दे वल्लों, उस दे विच मिर्च दा पाउडर पाया गया। हालांकि इह बाद दा विशा है, अजे सवाल है कि किस तरीके दे नाल पराली च मिर्च रलाई जा सकदी है, एक खैर सवाल है। पर कुल मिला के हरियाणा पुलिस ने यह जरूर दावा किया कि साढ़े 12 जने
पुलिस मुलाजम जख्मी हुए ने, उन्होंने असी होस्पिटलाइज करना पे है। और इस तरीके इतों तक वो दावा कर रहे थे कि लाठियां डंडिया डंडे तक जड़े ने प्रदर्शनकारी चला रहे थी, कुटमार तक हुई है। तो यह सारा कुछ दावा किया जा रहा है। तो कुल मिला के हरियाणा वाले पासे की जिक्र किया जाए, हरियाणा नू लेके ही दस दईए कि सियासत भी इसते मगदी हुई लगातार नजर आ रही है, जिथे पंजाब के सीएम कहते हैं कि हरियाणा नू असी कुछ नहीं कह रहे, हरियाणा नाल साडा कोई रौला नहीं है। तो फिर हरियाणा पुलिस सानू क्यों रोक रही है, किसानों क्यों रोक रही है, जबकि हरियाणा के नहीं जाना किसानों ने, तो दिल्ली एंटर होना है। तो इसको लैके लगातार बयानबाजियां भी हो रही ने, हरियाणा वाले पासे तो भी कल बयान आता है। पर इस दे विचाले कल शाम तक ये जरूर चर्चा उठती है, जरूर यह खबर आती है कि NSA के तहत कार्रवाई होगी प्रदर्शनकारी किसानों से, जेड़ा भी प्रदर्शन करेगा या जिस तरीके दे नाल जो हो रहा है बॉर्डर से अगे वधन की जो कोशिश कर रहे हैं किसान, तो उस केस के NSA लगाने के मूड के हरियाणा पुलिस। पर हुण कुल मिला के यह अहम वड्डी खबर सामने आ रही है कि प्रदर्शनकारी जिहड़े किसान ने उन्हां ते NSA नहीं लगेगा।